बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। हमारी इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि अफ्तारी का टाइम हो रहा है, अब मैं कुछ बनाना शुरू करती हूँ। तो सभी बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल आप तहरा आप ही को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहेगा। जिन बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं करती हूँ आप की वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी कोई यूँ है, ये देसी भी मैंने ले ली है और आग भी जला ली है। अच्छी तरह आग जला लेती हूँ पहले कि आग बुझ ना जाए। ये आग जा रही है, अब इसकी मैं डालती हूँ ये लहसुन प्याज और सब्ज़ मिर्च और टमाटर अभी काटने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही डालती हूँ मैं पानी के लहसुन प्याज का बनाना है पेस्ट, इस वजह से लहसुन मैंने कूटा नहीं है, सिर्फ पानी में डाल दिया इस तरह कि नरम हो जाएगा तो बाद में इसका पेस्ट बनाऊँगी। अगर कूट लूँ तो फिर सारे घर वाले खाना नहीं खाते कि स्मेल आ रही है लहसुन की। इस तरह इसका उबाल के पेस्ट बना ले तो फिर स्मेल वगैरह नहीं आती। तो अब नरम होने तक इसे पकाऊंगी और साथ में ये टमाटर काट के भी डाल देती हूँ कि सारी चीज़ों का अच्छी तरह पेस्ट बन जाएगा। ये टमाटर भी काट के मैंने डाल दिया है और आग भी माशाल्लाह जा रही है, बुझे ना तो, क्योंकि घर में तो सिलेंडर पे ही बनाना होता है। तो आज आग पे बना रही हूँ, एक रोज़ा भी है तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है आग जलाना। चलो फिर अब जो नरम होने तक पकाती हूँ और साथ में दूसरा कोई काम करती हूँ, ये पकौड़ों का सामान भी तैयार कर रही हूँ और साथ में अफ्तारी के लिए ये खरबूजे हैं और जो टिंडे अभी काटने हैं मैंने और ये है बेसन। ये सारी चीज़ें अफ्तारी के लिए हैं, अब बाद में काटती हूँ। ये लहसुन प्याज इतना नरम होता रहेगा, मैं टिंडे वगैरह काट लेती हूँ। ये टिंडे ऊपर से छिलके काट ली हैं, ये पकौड़ों के लिए मिर्ची भी काट ली हैं पकौड़े बनाने अफ्तारी के लिए। ये लहसुन प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है, टमाटर मिर्चें भी इसमें डाल दी थी, अब डालूँगी बाद में मसाले। प्याज बॉईल हो गया, उसको बाद में उबाल रही हैं। क्या गर्मी तो बहुत ज्यादा हो गई ना, दो दिनों में भी ज्यादा ही हो गई, बारिश भी हल्की हल्की हुई, कोई फर्क नहीं पिया। चलो मसाले नमक मसाले असी मैदे की वजह तो सारे मैदे का मसला बन गया, असी सादे ही खाने होंगे मसाले जी, तो उपरों जी गर्मी आ गई है। चलो आज इन्हें गुजारा कर दें। अच्छी तरह
प्याज भी टिंडे लेके आया, लेकिन टिंडा कोई भी नरम नहीं निकलिया। चलो पके मेथी रखी है इस तरह कपड़े च बांध के घर की मेथी सुकाई हुई हूं मैं पकौड़े का समान इन्ना तैयार किया है। बेसन भी हूँ पहले मेथी पानी हाथ से मल के मसाले भी मैं हाथ से मल के पा ले नमक मिर्च भी जीरा भी धनिया भी मेथरी भी तो हूँ आ मेरे को बेसन ये भी मैं खोल के बच्चे पानी छापत जिन्ने के बेसन की मैनू जरूरत है उन्ना पा लें बिच हूँ मैं इधर बना दी पेस्ट थोड़ा बिच पानी पा दी पहले तो हम हाथ की मदद ना असी पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट साड़ा यानी कि पकौड़े का पेस्ट तैयार हो गया तो हूँ असी बाद बनाना शुरू कर दी मैं पकौड़े टिंडे अच्छी तरह भुन लाए तो हूँ बाद लगन दे पानी का छिटा यानी कि सारी साड़ा तैयार हो गया नरम हो गया जी टिंडे हूँ मैं बना दी पकौड़े जल्दी जल्दी काम फिनिश कर लेंगे सारे सारी का सारा समान तैयार करके रखना है हूं चला कड़ी भी मेथी सोनी लगती है दिन अगले दिन हमसाई ने चने काले चने सालन बनाया तो मेथी पाई वो भी सोनी लगती है चाचे होटल बनया से उन्हें हर सब्जी की पा दी तो कई सब्जियां सोनी ना लगती हर सब्जी कई सोनी लगती ही वाज ही मतलब मम्मी पर दो तीन अच्छी तरह तल लें तुझे आराम नहीं होता मेरे भरा के पिछे पूजा की बनाती कटा दें पूछ
समीर बेटा तू कुल्ला दा क्यों ले आ सिर ते हैं जदा शादी वाले दिन लई तू पहले ही रख के बह गया हैं इधर मेरे तरफ मुंह करी ना तेन सोना लगता है अच्छा नहीं चलो फिर सैड ते हो जाओ हुण मैं काम कर पकौड़ियाँ देख पूर साड़ा तैयार हो गया मैं पकौड़े हूँ कट के मेरे रख दी हाँ इस ट्रे बच्चे ट्रे चा मैं सैड से जी चिप्स बनाई सी बच्चों की आलू जल गई थी वो कट के रखी तो हम मैं पकौड़े कट के बच्चे रख दी एक पूर करके मैं ट्रे च पा लिया है हम दूसरा पूर पा लेनी ये पकौड़े मैंने निकाल दिए टाइम बिल्कुल करीब करीब है अब सारी के लिए चलो चल गया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत।